इन अच्छा आदमी नहीं है, ये उसी के गुंडों से लड़ रहा है, इस सब के पीछे उसी का हाथ है। हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों की हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए लेकर हाजिर हुए हैं तमिल भाषा में बनी फिल्म पीटी सर मूवी की। आज हम दोस्तों हिंदी में रिव्यू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। दोस्तों, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात की जाए फिल्म तमिल भाषा की फिल्म पीटी सर, जो कि यह एक तमिल भाषा की फिल्म है। सबसे पहले बतलाए दोस्तों, फिल्म का डायरेक्टर कार्तिक वेणुगोपालन के डायरेक्टर में बनी फिल्म है। फिल्म का लेखक भी वही है और फिल्म की उत्पादित इशारी के गणेश ने किया था। फिल्म की अभिनीति हिप हॉप तमहिजा अद्दी और कश्मीरी परदेशी अनिखा सुरेंद्रम ने किया है। फिल्म की छायाकान मधेश मणिकम ने किया है। फिल्म की 24 मई 2024 को रिलीज हुई है और इस फिल्म को तमिल भाषा के साथ बनी है। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों, इस फिल्म ने मात्र 10 करोड़ की बजट पर बनी फिल्म है, जो दोस्तों फिल्म की बॉक्स ऑफिस 12.25 करोड़ का कलेक्शन किया है। जो दोस्तों बात की जाए फिल्म की, तो इस फिल्म में अभिनेता हिप हॉप तमहिजा आदि और कश्मीरा परदेशी नजर आती है। 2024 की भारतीय तमिल भाषा की सामाजिक ड्रामा फिल्म है, जो कार्तिक वेणुगोपालन द्वारा लिखित और निर्देशित है। दोस्तों, इस सारी के गणेश द्वारा निर्मित है और फिल्म में कश्मीरा परदेशी अनिका सुरेंद्र प्रभु और इलावरुसु पाडियाराजन और सत्याराजन मनीष कान के साथ हिप हॉप तमहिजा आदि मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा नवंबर 2022 में अस्थायी शीर्षक HHT7 के तहत की गई है, क्योंकि दोस्तों यह मुख्य अभिनेता के रूप में आदि की 7वीं फिल्म है। दोस्तों, आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी, लेकिन मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई थी। इसे मुख्य रूप से चेन्नई और
यूरोप में शूट किया गया था। फरवरी 2024 के अंत तक पूरा हो गया था। फिल्म का संगीत हिप हॉप तमेश ने तैयार किया है। फिल्म की छायाकार मदेश मणिकम ने किया है। दोस्तों संपादन प्रसन्ना जीके ने किया है। पीजी सर 24 मई 2024 को नाटक के रूप से रिलीज होती है। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा और सकारात्मक समीक्षा मिली है। दोस्तों यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी हिट बन गई है। लेकिन दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो पीटी सर यह एक ऐसी फिल्म है जिसे दर्शक बहुत पसंद किए थे। फिल्म की उत्पादन की बात की जाए तो 14 नवंबर 2022 को आंधी जो संगीत जोशी हिप हॉप तमीज का एक हिस्सा है, जो कार्तिक वेणुगोपालन द्वारा निर्देशित एक उद्यम में अभिनय करने की घोषणा की गई है, जिन्होंने पहले निन्ना जामुडो नेरमाडो और ओडू राजा 2019 का निर्देशन किया है। और दोस्तों इशारी के गणेश की उपाध्यक्षता में वेलस और फिल्म्स इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया था। अस्थायी रूप से HST 7 शीर्षक से अगले दिन चेन्नई में कलाकारों और चालक दल की उपस्थिति में एक मुहूर्त पूजा आयोजित की गई थी। आधिकारिक शीर्षक पीटी सर जो कि घोषणा 12 जनवरी 2023 को रिलीज हुई थी। मुख्य फोटोग्राफी 22 नवंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुआ था। फरवरी 2023 में उत्पादन ईरोड में चला गया था। फिल्मांकन फरवरी 2024 के अंत तक पूरा हुआ था। लेकिन दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रूपा राधाकृष्णा ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए थे और लिखा कि यह देवदासनी के प्रदर्शन का श्रेय किया है। हम उससे आगे निकल पाए और उसके और आदि के बीच में माँ बेटे के रिश्तों को निवेश कर पाए हैं। द हिंदू के भुवनेश्वर चंद्र ने लिखा कि यह सिर्फ इतना होता है कि पीड़ित दोष के खिलाफ कोई भी PR हमारे सोशल मीडिया के समय के लिए अच्छी PR हो सकता है। और दोस्तों आप कम से कम यह उम्मीद करते हैं कि इस पीटी सर से सबक सबके अच्छी अच्छित कानों तक पहुंचे। टाइम्स नाउ के मणिकंदन के आर ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि फिल्म न केवल मनोरंजन करती है बल्कि यह समाज में प्रचलित कुछ व्यवहार पैटर्न पर जागरूकता पैदा करने का भी प्रयास करती है, जो दोस्तों अनजाने में यौन अपराधों से पीड़ितों को प्रभावित करते हैं। फिल्म कैंपेनियन की हर्षनी SV ने लिखा कि जहां तक देखने के अनुभव का सवाल है फिल्म शायद उतनी अच्छी नहीं रह गई है, लेकिन पीड़ितों को दोषी ठहराने के लिए संदेश देने के लिए इसी गंभीरता को काम के लिए बिना आपको उम्मीद है संदेश जनता तक पहुंचेगा कि सिनेमा एक्सप्रेस की नारायणी S ने दूसरे 5 सितारे दिए हैं। लिखा फिल्म महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए पीटी सर को उल्कापीड के उद्देश्य उदय के लिए
सीटी बजाने से ज़्यादा कुछ नहीं करती है। ओटीटी प्ले की अनुषा सुंदर ने 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा कि पीटी सर बोलने योग्य है। शुक्र है इसके लाभ के लिए क्योंकि फिल्म की महिला जाति के उत्पादन की प्रतिक्रिया केवल पुरुषों को अपनी वीरता दिखाने का रास्ता बनाती है। और फिल्म देखने के बाद मैं बस इतना ही कहूँगी कि चलो नारीवाद और महिला सशक्तिकरण का अब और फायदा न उठाए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पीटी सर ने अपनी रिलीज के 12 दिनों में 12.25 करोड़ से अधिक का कलेक्शन कर चुका है। फिल्म पीटी सर में हिप हॉप तमहिजा आदि फिल्म की अभिनेता संगीत जोड़ी और इस जोड़ी में रकंदीता आदि रामचंद्र वेंकट पति और आर जीवा शामिल है। 2011 में क्लब में मंबू ले गाने के साथ उनकी व्यावसायिक सफलता मिली थी। 2012 में हिप हॉप तमहिजा ने अपना पहला एल्बम हिप हॉप तमहिजहन रिलीज किया जो भारत का सबसे पहला तमिल हिप हॉप एल्बम है और यह आम जनता और आलोचकों दोस्तों के साथ एक बड़ी सफलता थी। हालांकि दोस्तों यह जोड़ी मूल रूप से स्वतंत्र संगीतकार थे और लेकिन 2013 से उन्होंने मुख्य रूप से फिल्मों के लिए संगीत रचना में योगदान दिया है। रंगदियों आदि और रामचंद्र वेंकट पति का जन्म फरवरी 1990 को हुआ था और आरजीवा का जन्म 29 जून 1991 को जन्म हुआ था। दोस्तों बात की जाए इनकी जोड़ी को तो पिता ने शुरू में प्रवेश रूप से संगीत को आगे बढ़ाने के उनके फैसले का विरोध किया था। वो चाहते थे कि आदि उच्च शिक्षा प्राप्त करे लेकिन उन्होंने उसे वह करने के लिए 1 साल तक समय दिया जो वह करना चाहता था। एकमात्र शर्त यह थी कि आदि को न उनसे किसी भी तरह की उम्मीद की नहीं करनी चाहिए। यह महसूस करने के बाद कि आदि कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने अपने बेटे की संगीत रुचियों और प्रोत्साहित किया था। इसके बाद आदि अपनी किस्मत आजमाने के लिए चेन्नई चले गए थे। हालांकि दोस्तों हिप हॉप एक जोड़ी है, जीवन ने शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से उपस्थिति दर्ज कराई है। इसी प्रकार हिप हॉप तमिज नाम के आदि के साथ अधिक बार जोड़ा जाता है। आदि ने इंडिया लेडीज को बताया है कि यह उनके शर्मीलेपन के कारण है और अपने साथी की तुलना भारत के प्रति में दृश्य शेर से की है जिसमें 4 शेर शामिल है जिसमें से केवल 3 दिखाई देते हैं। 2005 में दोनों की मुलाकात की कुछ समय बाद जीवा बिटर्स नाम अपना लिया है। आदि ने चावरा विद्या भवन से पढ़ाई की और बनारी अम्मा इंडस्ट्री और टेली टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। उन्होंने
तमिलनाडु में काम एंट्रोल सेट पर राज्य स्तर से किया है। बात की जाए फिल्म की तो यह एक तमिल भाषा की फिल्म है जिसे दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं। और बात की जाए फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता कश्मीरा परदेशी, यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तमिल और तेलुगु भाषा की फिल्मों में काम करती है। उन्होंने तेलुगु फिल्म नर्तन सला 2018, तमिल में विश शिपु मंजल पचायु 2019 और हिंदी में मिशन मंगल 2019 में अभिनय की शुरुआत किया था। दोस्तों उन्होंने हिंदी सीरीज द फ्रीलांसर 2023 के जरिए डिजिटल स्ट्रीमिंग की शुरुआत की है। परदेशी नायिका सौर्या के साथ तेलुगु फिल्म नर्सला 2018 से फिल्मी करियर की शुरुआत करने से पहले कई विज्ञापनों में काम किया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक रही थी। और बात की जाए फिल्म 2021 में उनकी एकमात्र रिलीज राइडर थी, जो निखिल कुमार के साथ कन्नड़ सिनेमा में उनकी पहली फिल्म थी। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी हिट रही थी। 2022 में उन्होंने उनकी पहली रिलीज हिप हॉप तमहिजा के साथ अनबरीबू थी फिल्म में एक नाटक के रिलीज का विकल्प चुना था। सीधे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से रिलीज किया था, जिसे दोस्तों आलोचकों से मिश्रित समीक्षा से सकारात्मक समीक्षा मिली है। अनबरीबू को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म घोषित किया है। उनकी आखिरी रिलीज वल्ला वरलारू मुक्कीमा थी, जिसमें जीवा के साथ फिल्म को आलोचकों से दर्शकों से नकारात्मक समीक्षा मिली है। लेकिन दोस्तों मलयाली लड़की के रूप में परदेशी के प्रदर्शन ने सराहना की गई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। 2023 में उनकी पहली रिलीज बसंत मुल्लई थी, जिसमें बाबी सिम्हा थे और फिल्म को आलोचकों से और दर्शकों से खराब समीक्षा मिली है। दोस्तों यह बॉक्स ऑफिस पर बंद थी उनकी दूसरी रिलीज एक तेलुगु फिल्म बिनारे भाग्यम और विष्णु कथा थी, जिसमें किरण अवस्थम थे और फिल्म के रिलीज होने पर आलोचकों और दर्शकों से सम्मान रूप से मिश्रित समीक्षा मिली है। दोस्तों यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। बाद में उन्होंने हिंदी भाषा की श्रृंखला द फ्रीलांसर के साथ डिजिटल स्ट्रीमिंग की शुरुआत की है, जिसका प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया था। श्रृंखला को आलोचकों से अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और उन्होंने श्रृंखला में अपने उनके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली है। उनकी अगली रिलीज परम पुरुल थी, जिसमें अमिताभ प्रधान और शरद कुमार थे। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से सामान्य समीक्षा मिली है। 2024 में उनकी पहली रिलीज तमिल फिल्म पीटी सर थी, जिसमें हिप हॉप आदि के साथ अनबरीबू 2022 के बाद उनके साथ उनकी दूसरी सहयोगात्मक फिल्म थी। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। बात की जाए दोस्तों फिल्म की तो इस फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता पीटी शर्मा, अभिनेत्री इस फिल्म में प्रभु भी काम किए हैं, जो कि एक भारतीय अभिनेता है
जो जिन्होंने पेशावरों से प्रभु के नाम से जाना जाता है। भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। वो दोस्तों दिग्गज अभिनेता शिवाजी गणेश के सबसे छोटे बेटे हैं। प्रभु 1980 के और 1990 के दशक में तमिल सिनेमा में प्रमुख अभिनेता में से एक थे। वो इलिया थिलागम के नाम से लोकप्रिय है और उन्होंने तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में मुख्य और सहायक भूमिकाओं में 220 से अधिक फिल्मों में काम किया है। संगली 1982 में अपने प्रदर्शन यानी अपने करियर की शुरुआत करने के बाद प्रभु ने विभिन्न प्रमुख और सहायक भूमिकाओं में अभिनय किया है। चिन्ना थप्पी 1991 में उनके चित्रण के लिए तमिलनाडु राज्य द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अर्जित किया है। बात की जाए दोस्तों इसके तो प्रभु ने अपने पिता की सहकलाकार के रूप में फिल्मों में काम करने से मना कर दिया था और अधिक से अधिक प्रस्ताव स्वीकार करने के बजाय जानबूझकर विषयों का चयन करने का शुरुआत किया था। ब्रेक लेने के बाद उन्होंने जो पहली फिल्मों साइन की उनमें जीएम कुमार की अरुवद्दाई नर 1986 और मणिवन की पलाईवन और रोचकल सत्याराज के साथ शामिल थी। दोनों ही सफल साबित हुई और इसके बाद अगले दौर में अभिनेता के लिए 1988 में व्यावसायिक सफलता की एक श्रृंखला देखी गई थी। विशेष रूप से रजनीकांत के साथ एसपी मुथुरमन की गुरु शिवयन और कार्तिक के साथ मणिरत्न की अग्नि नटचत्तिरम और पी वासु की पारिवारिक ड्रामा एन थंगाची पड़ी बच्चा बाद की पहली फिल्म का सफलता ने प्रभु और वासु के बीच उसी शैली में अधिक सफल सहयोग को प्रेरित किया था। चिन्नाथम्बी 1991 और सेथमेज पट्टू 1992 इसके बाद उन्होंने के बालचंद्र की रोमांटिक फिल्म डुएट 1994 मोहनलाल के साथ प्रियदर्शन की मलयालम पीरियड फिल्म कल्लापानी 1996 की 96 में अच्छी भूमिका निभाने से पहले अपनी वैसी फिल्म आरवी उदय कुमार की राजकुमारम में काम किया था। उसके बाद दोस्तों फिल्म प्रभु ने सुपरहिट फिल्म पीटी सर 2024 में काम किए हैं जिसे दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा भी स्क्रिप्ट मत कीजिएगा और हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात की जाए फिल्म तमिल भाषा की फिल्म पीटी सर जो कि यह एक तमिल भाषा की फिल्म है। सबसे पहले बतलाए दोस्तों फिल्म का डायरेक्टर कार्तिक वेणुगोपालन की डायरेक्टर में बनी फिल्म है। फिल्म का लेखक भी वही है और फिल्म की उत्पादित इशारी के गणेश ने किया था। फिल्म की अभिनीति हिप हॉप तमहिजा अदी और कश्मीरी परदेसी अनिखा सुरेंद्रन ने किया है। फिल्म की छायाकान मधेश मणिकम ने किया है। फिल्म की 24 मई 2024 को रिलीज हुई है और इस फिल्म को तमिल भाषा के साथ बनी है। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों इस फिल्म ने मात्र 10 करोड़ की बजट पर बनी फिल्म है जो दोस्तों फिल्म की बॉक्स ऑफिस 12.25 करोड़ का कलेक्शन किया है।
जो दोस्तों बात की जाए फिल्म की, तो इस फिल्म में अभिनेता हिप हॉप तमहिजा आदि और कश्मीरा परदेसी नजर आती है। 2024 की भारतीय तमिल भाषा की सामाजिक ड्रामा फिल्म है जो कार्तिक वेणुगोपालन द्वारा लिखित और निर्देशित है। दोस्तों इस सारी के गणेश द्वारा निर्मित है और फिल्म में कश्मीरा परदेसी, अनिका सुरेंद्र प्रभु और इलावरुसु पाडियाराजन और सत्याराजन मनीष कांत के साथ हिप हॉप तमहिजा आदि मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा नवंबर 2022 में अस्थायी शीर्षक HHD7 के तहत की गई है, क्योंकि दोस्तों यह मुख्य अभिनेता के रूप में आदि की 7वीं फिल्म है। दोस्तों आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी, लेकिन मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई थी। इसे मुख्य रूप से चेन्नई और ईरोड में शूट किया गया था। फरवरी 2024 के अंत तक पूरा हो गया था। फिल्म का संगीत हिप हॉप तमेज ने तैयार किया है। फिल्म की छायाकान मदेश मणिकम ने किया है। दोस्तों संपादन प्रसन्ना जी के ने किया है। पीजी सर 24 मई 2024 को नाटक के रूप से रिलीज होती है। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा और सकारात्मक समीक्षा मिली है। दोस्तों यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी हिट बन गई है। लेकिन दोस्तों बात की जाए फिल्म की, तो पीटी सर यह एक ऐसी फिल्म है जिसे दर्शक बहुत पसंद किए थे। फिल्म की उत्पादन की बात की जाए तो 14 नवंबर 2022 को आंधी जो संगीत जोशी हिप हॉप तमीज का एक हिस्सा है, जो कार्तिक वेणुगोपालन द्वारा निर्देशित एक उद्यम में अभिनय करने की घोषणा की गई है, जिन्होंने पहले निन्ना जामुडो नेरमाडो और ओडू राजा 2019 का निर्देशन किया है। और दोस्तों इशारी के गणेश की उपाध्यक्षता में वेलस और फिल्म्स इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया था। अस्थायी रूप से HHD7 शीर्षक से अगले दिन चेन्नई में कलाकारों और चालक दल की उपस्थिति में एक मुहूर्त पूजा आयोजित की गई थी। आधिकारिक शीर्षक पीटी सर जो कि घोषणा 12 जनवरी 2023 को रिलीज हुई थी। मुख्य फोटोग्राफी 22 नवंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुआ था। फरवरी 2023 में उत्पादन ईरोड में चला गया था। फिल्मांकन फरवरी 2024 के अंत तक पूरा हुआ था। लेकिन दोस्तों बात की जाए फिल्म की, तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रूपा राधा कृष्ण ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए थे और लिखा कि यह देवदास ने के प्रदर्शन का श्रेय किया है। हम उससे आगे निकल पाए और उसके और आदि के बीच में माँ बेटे के रिश्तों को निवेश कर पाए हैं। द हिंदू के भुवनेश्वर चंद्र ने लिखा कि यह सिर्फ इतना होता है कि पीड़ित दोष के खिलाफ कोई भी पीआर हमारे सोशल मीडिया के समय के लिए अच्छी पीआर हो सकता है। और दोस्तों आप कम से कम यह उम्मीद करते हैं कि इस पीटी सर से सबक सबके अच्छे कानों तक पहुंचे।
टाइम्स नाउ के मणिकंदन के आर ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि फिल्म न केवल मनोरंजन करती है बल्कि यह समाज में प्रचलित कुछ व्यवहार पैटर्न पर जागरूकता पैदा करने का भी प्रयास करती है, जो दोस्तों अनजाने में यौन अपराधों से पीड़ितों को प्रभावित करते हैं। फिल्म कैंपेनियन की हर्षनी एसवी ने लिखा कि जहां तक देखने के अनुभव का सवाल है, फिल्म शायद उतनी अच्छी नहीं रह गई है, लेकिन पीड़ितों को दोषी ठहराने के लिए संदेश देने के लिए इसी गंभीरता को काम के लिए बिना आपको उम्मीद है संदेश जनता तक पहुंचेगा कि सिनेमा एक्सप्रेस की नारायणी एस ने 2 से 8 सितारे दिए हैं। लिखा, फिल्म महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए पीडी सर को उल्कापीड के उद्देश्य उदय के लिए सिटी बचाने से ज्यादा कुछ नहीं करती है। ओटीटी प्ले की अनुषा सुंदर ने 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा कि पीटी सर बोलने योग्य है। शुक्र है इसके लाभ के लिए क्योंकि फिल्म की महिला जाति के उत्पादन की प्रतिक्रिया केवल पुरुषों को अपनी वीरता दिखाने का रास्ता बनाती है। और फिल्म देखने के बाद मैं बस इतना ही कहूँगी कि चलो नारीवाद और महिला सशक्तिकरण का अब और फायदा न उठाए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पीटी सर ने अपनी रिलीज के 12 दिनों में 12.25 करोड़ से अधिक का कलेक्शन कर चुका है। फिल्म पीटी सर में हिप हॉप तमहिजा आदि फिल्म की अभिनेता संगीत जोड़ी और इस जोड़ी में रकंदीता आदि रामचंद्र वेंकटपति और आर जीवा शामिल है। 2011 में क्लब में मंबो ले गाने के साथ उनकी व्यावसायिक सफलता मिली थी। 2012 में हिप हॉप तमहिजा ने अपना पहला एल्बम हिप हॉप तमहिजान रिलीज किया, जो भारत का सबसे पहला तमिल हिप हॉप एल्बम है और यह आम जनता और आलोचकों दोस्तों के साथ एक बड़ी सफलता थी। हालांकि दोस्तों यह जोड़ी मूल रूप से स्वतंत्र संगीतकार थे और लेकिन 2013 से उन्होंने मुख्य रूप से फिल्मों के लिए संगीत रचना में योगदान दिया है। रंगदियो आदि और रामचंद्र वेंकटपति का जन्म फरवरी 1990 को हुआ था और आरजीवा का जन्म 29 जून 1991 को जन्म हुआ था। दोस्तों बात की जाए इनकी जोड़ी को तो पिता ने शुरू में प्रवेश रूप से संगीत को आगे बढ़ाने के उनके फैसले का विरोध किया था। वो चाहते थे कि आदि उच्च शिक्षा प्राप्त करे, लेकिन उन्होंने उसे वह करने के लिए 1 साल तक समय दिया जो वह करना चाहता था। एकमात्र शर्त यह थी कि आदि को न उनसे किसी भी तरह की उम्मीद की नहीं करनी चाहिए। यह महसूस करने के बाद कि आदि कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने अपने बेटे की संगीत रुचियों और प्रोत्साहित किया था। इसके बाद आदि अपनी किस्मत आजमाने के लिए
चेन्नई चले गए थे। हालांकि दोस्तों हिप हॉप एक जोड़ी है जो अन्य शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से उपस्थिति दर्ज कराई है। इसी प्रकार हिप हॉप तमीज नाम के आदि के साथ अधिक बार जोड़ा जाता है। आदि ने इंडिया लेडीज को बताया है कि यह उनके शर्मीलेपन के कारण है और अपने साथी की तुलना भारत के प्रति में दृश्य शेर से की है, जिसमें चार शेर शामिल है, जिसमें से केवल तीन दिखाई देते हैं। 2005 में दोनों की मुलाकात की कुछ समय बाद जीवा बिटल्स नाम अपना लिया है। आदि ने चावरा विद्या भवन से पढ़ाई की और बनारी अम्मा इंडस्ट्री और टेली टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। उन्होंने तमिलनाडु में काम एंट्रोल सेट पर राज्य स्तर से किया है। बात की जाए फिल्म की तो यह एक तमिल भाषा की फिल्म है जिसे दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं। और बात की जाए फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता कश्मीरा परदेशी, यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तमिल और तेलुगु भाषा की फिल्मों में काम करती है। उन्होंने तेलुगु फिल्म नर्तन सला 2018, तमिल में विशिपु मंजल पचाई 2019 और हिंदी में मिशन मंगल 2019 में अभिनय की शुरुआत किया था। दोस्तों उन्होंने हिंदी सीरीज द फ्रीलांसर 2023 के जरिए डिजिटल स्ट्रीमिंग की शुरुआत की है। परदेशी नक्का शौर्य के साथ तेलुगु फिल्म नर्सला 2018 से फिल्मी करियर की शुरुआत करने से पहले कई विज्ञापनों में काम किया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक रही थी। और बात की जाए फिल्म 2021 में उनकी एकमात्र रिलीज राइडर थी, जो निखिल कुमार के साथ कन्नड़ सिनेमा में उनकी पहली फिल्म थी। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी हिट रही थी। 2022 में उन्होंने उनकी पहली रिलीज हिप हॉप तमहिजा के साथ अनबरीबू थी फिल्म में एक नाटक के रिलीज का विकल्प चुना था और सीधे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से रिलीज किया था, जिसे दोस्तों आलोचकों से मिश्रित समीक्षा से सकारात्मक समीक्षा मिली है। अनबरीबू को OTT प्लेटफॉर्म पर व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म घोषित किया है। उनकी आखिरी रिलीज वरलारू मुक्कीमा थी, जिसमें जीवा के साथ फिल्म को आलोचकों से दर्शकों से नकारात्मक समीक्षा मिली है। लेकिन दोस्तों मलयाली लड़की के रूप में परदेशी के प्रदर्शन ने सराहना की गई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। 2023 में उनकी पहली रिलीज बसंत मुल्लई थी, जिसमें बाबी सिम्हा थे और फिल्म को आलोचकों से और दर्शकों से खराब समीक्षा मिली है। दोस्तों यह बॉक्स ऑफिस पर बंद थी उनकी दूसरी रिलीज एक तेलुगु फिल्म बिनारे भाग्यम और विष्णु कथा थी, जिसमें किरण अवस्थम थे और फिल्म के रिलीज होने पर आलोचकों और दर्शकों से सम्मान रूप से मिश्रित समीक्षा मिली है। दोस्तों यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। बाद में उन्होंने हिंदी भाषा की श्रृंखला द फ्रीलांसर के साथ डिजिटल स्ट्रीमिंग की शुरुआत की है, जिसका प्रीमियर डिज्नी प्लस
हॉटस्टार पर रिलीज किया था। श्रृंखला को आलोचकों से अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और उन्होंने श्रृंखला में अपने उनके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली है। उनकी अगली रिलीज परम पोरुल थी, जिसमें अमित दास प्रधान और शरद कुमार थे। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से सामान्य समीक्षा मिली है। 2024 में उनकी पहली रिलीज तमिल फिल्म पीटी सर थी, जिसमें हिप हॉप आदि के साथ अनबारिबु 2022 के बाद उनके साथ उनकी दूसरी सहयोग आत्मय फिल्म थी। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से मिश्र समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। बात की जाए दोस्तों फिल्म की, तो इस फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता पीटी सर में अभिनेत्री इस फिल्म में प्रभु भी काम किए हैं, जो कि एक भारतीय अभिनेता हैं, जो जिन्होंने पेशावर रूप से प्रभु के नाम से जाना जाता है। भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं, जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। वो दोस्तों दिग्गज अभिनेता शिवाजी गणेश के सबसे छोटे बेटे हैं। प्रभु 1980 के और 1990 के दशक में तमिल सिनेमा में प्रमुख अभिनेता में से एक थे। वो इलिया थिलागम के नाम से लोकप्रिय है और उन्होंने तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में मुख्य और सहायक भूमिकाओं में 220 से अधिक फिल्मों में काम किया है। संगली 1982 में अपने प्रदर्शन यानी अपने करियर की शुरुआत करने के बाद प्रभु ने विभिन्न प्रमुख और सहायक भूमिकाओं में अभिनय किया है। चिन्ना थप्पी 1991 में उनके चित्रण के लिए तमिलनाडु राज्य द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अर्जित किया है। बात की जाए दोस्तों इसके, तो प्रभु ने अपने पिता की सहकलाकार के रूप में फिल्मों में काम करने से मना कर दिया था और अधिक से अधिक प्रस्ताव स्वीकार करने के बजाय जानबूझकर विषयों का चयन करने का शुरुआत किया था। ब्रेक लेने के बाद उन्होंने जो पहली फिल्मों साइन की उनमें जीएम कुमार की अरुवद्दाई नर 1986 और मणिवन की पलाईवन और रोचकल सत्याराज के साथ शामिल थी। दोनों ही सफल साबित हुई और इसके बाद अगले दौर में अभिनेता के लिए 1988 में व्यावसायिक सफलता की एक श्रृंखला देखी गई थी। विशेष रूप से रजनीकांत के साथ एसपी मुथुरामन की गुरु शिवयन और कार्तिक के साथ मणिरत्न की अग्नि नटचत्तिरम और पी वासु की पारिवारिक ड्रामा एन थंगाची पड़ी बच्चा बाद की पहली फिल्म का सफलता ने प्रभु और वासु के बीच उसी शैली में अधिक सफल सहयोग को प्रेरित किया था। चिन्नाथम्बी 1991 और सेथमेज पट्टू 1992 इसके बाद उन्होंने के बालचंद्र की रोमांटिक फिल्म डुएट 1994 मोहनलाल के साथ प्रियदर्शन की मलयालम पीरियड फिल्म कल्लापानी 1996 में अच्छी भूमिका निभाने से पहले अपनी वैसी फिल्म आरवी उदय कुमार की राजकुमारम में काम किया था। उसके बाद दोस्तों फिल्म प्रभु ने सुपरहिट फिल्म पीटी सर 2024 में काम किए हैं, जिसे दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं। बात की जाए फिल्म तमिल भाषा की फिल्म पीटी सर, जो कि यह एक तमिल भाषा की फिल्म है।
सबसे पहले बतलाए दोस्तों, फिल्म का डायरेक्टर कार्तिक वेणुगोपालन की डायरेक्टर में बनी फिल्म है। फिल्म का लेखक भी वही है और फिल्म की उत्पादित इशारी के गणेश ने किया था। फिल्म की अभिनीति हिप हॉप तमहिजा अदी और कश्मीरी परदेसी अनिखा सुरेंद्र ने किया है। फिल्म की छायाकान मधेश मणिकम ने किया है। फिल्म की 24 मई 2024 को रिलीज हुई है और इस फिल्म को तमिल भाषा के साथ बनी है। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों, इस फिल्म ने मात्र 10 करोड़ की बजट पर बनी फिल्म है, जो दोस्तों फिल्म की बॉक्स ऑफिस 12.25 करोड़ का कलेक्शन किया है। जो दोस्तों बात की जाए फिल्म की, तो इस फिल्म में अभिनेता हिप हॉप तमहिजा आदि और कश्मीरा परदेसी नजर आती है। 2024 की भारतीय तमिल भाषा की सामाजिक ड्रामा फिल्म है, जो कार्तिक वेणुगोपालन द्वारा लिखित और निर्देशित है। दोस्तों इस सारी के गणेश द्वारा निर्मित है और फिल्म में कश्मीरा परदेसी अनिका सुरेंद्र प्रभु और इलावरुसु पाडियाराजन और सत्याराजन मनीष खान के साथ हिप हॉप तमहिजा आदि मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा नवंबर 2022 में अस्थायी शीर्षक HST7 के तहत की गई है, क्योंकि दोस्तों यह मुख्य अभिनेता के रूप में आदि की 7वीं फिल्म है। दोस्तों आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी, लेकिन मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई थी। इसे मुख्य रूप से चेन्नई और ईरोड में शूट किया गया था। फरवरी 2024 के अंत तक पूरा हो गया था। फिल्म का संगीत हिप हॉप तमेज ने तैयार किया है। फिल्म की छायाकान मदेश मणिकम ने किया है। दोस्तों संपादन प्रसन्ना जीके ने किया है। पीजी सर 24 मई 2024 को नाटक के रूप से रिलीज होती है। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा और सकारात्मक समीक्षा मिली है। दोस्तों यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी हिट बन गई है। लेकिन दोस्तों बात की जाए फिल्म की, तो पीटी सर यह एक ऐसी फिल्म है जिसे दर्शक बहुत पसंद किए थे। फिल्म की उत्पादन की बात की जाए तो 14 नवंबर 2022 को आंधी जो संगीत जोशी हिप हॉप तमीज का एक हिस्सा है, जो कार्तिक वेणुगोपालन द्वारा निर्देशित एक उद्यम में अभिनय करने की घोषणा की गई है, जिन्होंने पहले निन्ना जामुडो नेरमाडो और ओडू राजा 2019 का निर्देशन किया है। और दोस्तों इशारी के गणेश की उपाध्यक्षता में वेलस और फिल्म्स इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया था। अस्थायी रूप से HST7 शीर्षक से अगले दिन चेन्नई में कलाकारों और चालक दल की उपस्थिति में एक मुहूर्त पूजा आयोजित की गई थी। आधिकारिक शीर्षक पीटी सर जो कि घोषणा 12 जनवरी 2023 को रिलीज हुई थी। मुख्य फोटोग्राफी 22 नवंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुआ था। फरवरी 2023 में उत्पादन ईरोड में चला गया था। फिल्मांकन फरवरी 2024 के अंत तक पूरा हुआ था। लेकिन दोस्तों बात की जाए फिल्म की, तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रूपा राधा कृष्ण
ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए थे और लिखा कि यह देवदास ने के प्रदर्शन का श्रेय किया है। हम उससे आगे निकल पाए और उसके और आदि के बीच में माँ बेटे के रिश्तों को निवेश कर पाए हैं। द हिंदू के भुवनेश्वर चंद्र ने लिखा कि यह सिर्फ इतना होता है कि पीड़ित दोष के खिलाफ कोई भी पीआर हमारे सोशल मीडिया के समय के लिए अच्छी पीआर हो सकता है। और दोस्तों, आप कम से कम यह उम्मीद करते हैं कि इस पीटी सर से सबक सबके अच्छित कानों तक पहुंचे। टाइम्स नाउ के मणिकंदन के आर ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि फिल्म न केवल मनोरंजन करती है बल्कि यह समाज में प्रचलित कुछ व्यवहार पैटर्न पर जागरूकता पैदा करने का भी प्रयास करती है, जो दोस्तों अनजाने में यौन अपराधों से पीड़ितों को प्रभावित करते हैं। फिल्म कैंपेनियन की हर्षनी एसबी ने लिखा कि जहां तक देखने के अनुभव का सवाल है, फिल्म शायद उतनी अच्छी नहीं रह गई है, लेकिन पीड़ितों को दोषी ठहराने के लिए संदेश देने के लिए इसी गंभीरता को काम के लिए बिना आपको उम्मीद है संदेश जनता तक पहुंचेगा कि सिनेमा एक्सप्रेस की नारायणी एस ने 2 से 8 सितारे दिए हैं। लिखा, फिल्म महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए पीडी सर को उल्कापीड के उद्देश्य उदय के लिए सिटी बचाने से ज्यादा कुछ नहीं करती है। ओटीटी प्ले की अनुषा सुंदर ने 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा कि पीटी सर बोलने योग्य है। शुक्र है इसके लाभ के लिए क्योंकि फिल्म की महिला जाति के उत्पादन की प्रतिक्रिया केवल पुरुषों को अपनी कृता दिखाने का रास्ता बनाती है। और फिल्म देखने के बाद मैं बस इतना ही कहूंगी कि चलो नारीवाद और महिला सशक्तिकरण का अब और फायदा न उठाए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पीटी सर ने अपनी रिलीज के 12 दिनों में 12.25 करोड़ से अधिक का कलेक्शन कर चुका है। फिल्म पीटी सर में हिप हॉप तमहिजा आदि फिल्म की अभिनेता संगीत जोड़ी और इस जोड़ी में रकंदीता आदि रामचंद्र वेंकटपति और आर जीवा शामिल है। 2011 में क्लब में मंबो ले गाने के साथ उनकी व्यावसायिक सफलता मिली थी। 2012 में हिप हॉप तमहेजा ने अपना पहला एल्बम हिप हॉप तमहेजान रिलीज किया, जो भारत का सबसे पहला तमिल हिप हॉप एल्बम है और यह आम जनता और आलोचकों दोस्तों के साथ एक बड़ी सफलता थी। हालांकि दोस्तों, यह जोड़ी मूल रूप से स्वतंत्र संगीतकार थे और लेकिन 2013 से उन्होंने मुख्य रूप से फिल्मों के लिए संगीत रचना में योगदान दिया है। रंगदियो आदि और रामचंद्र वेंकटपति का जन्म फरवरी 1990 को हुआ था और आरजीवा का जन्म 29 जून 1991 को जन्म हुआ था। दोस्तों, बात की जाए इनकी जोड़ी को तो
पिता ने शुरू में परवेश्वराव रूप से संगीत को आगे बढ़ाने के उनके फैसले का विरोध किया था। वो चाहते थे कि आदि उच्च शिक्षा प्राप्त करे, लेकिन उन्होंने उसे वह करने के लिए 1 साल तक समय दिया जो वह करना चाहता था। एकमात्र शर्त यह थी कि आदि को न उनसे किसी भी तरह की उम्मीद की नहीं करनी चाहिए। यह महसूस करने के बाद कि आदि कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने अपने बेटे की संगीत रुचियों और प्रोत्साहित किया था। इसके बाद आदि अपनी किस्मत आजमाने के लिए चेन्नई चले गए थे। हालांकि दोस्तों हिप हॉप एक जोड़ी है, जीवन ने शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से उपस्थिति दर्ज कराई है। इसी प्रकार हिप हॉप तमीज नाम के आदि के साथ अधिक बार जोड़ा जाता है। आदि ने इंडिया लेडीज को बताया है कि यह उनके शर्मीलेपन के कारण है और अपने साथी की तुलना भारत के प्रति में दृश्य शेर से की है, जिसमें 4 शेर शामिल है, जिसमें से केवल 3 दिखाई देते हैं। 2005 में दोनों की मुलाकात की कुछ समय बाद जीवा बिटर्स नाम अपना लिया है। आदि ने चावरा विद्या भवन से पढ़ाई की और बनारी अम्मा इंडस्ट्री और टेली टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। उन्होंने तमिलनाडु में काम एंट्रोल सेट पर राज्य स्तर से किया है। बात की जाए फिल्म की तो यह एक तमिल भाषा की फिल्म है जिसे दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं। और बात की जाए फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता कश्मीरा परदेशी, यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तमिल और तेलुगु भाषा की फिल्मों में काम करती है। उन्होंने तेलुगु फिल्म नर्तन सला 2018, तमिल में विशिपु मंजल पचाई 2019 और हिंदी में मिशन मंगल 2019 में अभिनय की शुरुआत किया था। दोस्तों उन्होंने हिंदी सीरीज द फ्रीलांसर 2023 के जरिए डिजिटल स्ट्रीमिंग की शुरुआत की है। परदेशी नक्का शौर्य के साथ तेलुगु फिल्म नरसला 2018 से फिल्मी करियर की शुरुआत करने से पहले कई विज्ञापनों में काम किया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक रही थी। और बात की जाए फिल्म 2021 में उनकी एकमात्र रिलीज राइडर थी, जो निखिल कुमार के साथ कन्नड़ सिनेमा में उनकी पहली फिल्म थी। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी हिट रही थी। 2022 में उन्होंने उनकी पहली रिलीज हिप हॉप तमहिजा के साथ अनबरीबू थी फिल्म में एक नाटक के रिलीज का विकल्प चुना था। सीधे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से रिलीज किया था, जिसे दोस्तों आलोचकों से मिश्रित समीक्षा से सकारात्मक समीक्षा मिली है। अनबरीबू को OTT प्लेटफॉर्म पर व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म घोषित किया है। उनकी आखिरी रिलीज वरलारू मुक्कीमा थी, जिसमें जीवा के साथ फिल्म को आलोचकों से दर्शकों से नकारात्मक समीक्षा मिली है। लेकिन दोस्तों मलयाली लड़की के रूप में परदेशी के प्रदर्शन ने
सराहना की गई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। 2023 में उनकी पहली रिलीज बसंत मुल्लई थी, जिसमें बाबी सिम्हा थे और फिल्म को आलोचकों से और दर्शकों से खराब समीक्षा मिली है। दोस्तों, यह बॉक्स ऑफिस पर बंद थी उनकी दूसरी रिलीज, एक तेलुगु फिल्म बिन्नारे भाग्यम और विष्णु कथा थी, जिसमें किरण अवस्थम थे और फिल्म के रिलीज होने पर आलोचकों और दर्शकों से सम्मान रूप से मिश्रित समीक्षा मिली है। दोस्तों, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। बाद में उन्होंने हिंदी भाषा की श्रृंखला द फ्रीलांसर के साथ डिजिटल स्ट्रीमिंग की शुरुआत की है, जिसका प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया था। श्रृंखला को आलोचकों से अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और उन्होंने श्रृंखला में अपने उनके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली है। उनकी अगली रिलीज परम पोरुल थी, जिसमें अमिताभ प्रधान और शरद कुमार थे। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से सामान्य समीक्षा मिली है। 2024 में उनकी पहली रिलीज तमिल फिल्म पीटी सर थी, जिसमें हिप हॉप आदि के साथ अनबारिबु 2022 के बाद उनके साथ उनकी दूसरी सहयोग आत्मीय फिल्म थी। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। बात की जाए दोस्तों फिल्म की, तो इस फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता पीटी सर में अभिनेत्री इस फिल्म में प्रभु भी काम किए हैं, जो कि एक भारतीय अभिनेता है जो जिन्होंने पेशावर रूप से प्रभु के नाम से जाना जाता है। भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। वो दोस्तों दिग्गज अभिनेता शिवाजी गणेश के सबसे छोटे बेटे हैं। प्रभु 1980 के और 1990 के दशक में तमिल सिनेमा में प्रमुख अभिनेता में से एक थे। वो इलिया थिलागम के नाम से लोकप्रिय है और उन्होंने तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में मुख्य और सहायक भूमिकाओं में 220 से अधिक फिल्मों में काम किया है। संगली 1982 में अपने प्रदर्शन यानी अपने करियर की शुरुआत करने के बाद प्रभु ने विभिन्न प्रमुख और सहायक भूमिकाओं में अभिनय किया है। चिन्ना थब्बी 1991 में उनके चित्रण के लिए तमिलनाडु राज्य द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अर्जित किया है। बात की जाए दोस्तों इसके, तो प्रभु ने अपने पिता की सहकलाकार के रूप में फिल्म में काम करने से मना कर दिया था और अधिक से अधिक प्रस्ताव स्वीकार करने के बजाय जानबूझकर विषयों का चयन करने का शुरुआत किया था। ब्रेक लेने के बाद उन्होंने जो पहली फिल्मों साइन की उनमें जीएम कुमार की अरुवद्दाई नल 1986 और मणिवन की पलाईवन और रोचकल सत्याराज के साथ शामिल थी। दोनों ही सफल साबित हुई और इसके बाद अगले दौर में अभिनेता के लिए 1988 में व्यावसायिक सफलता की एक श्रृंखला देखी गई थी। विशेष रूप से रजनीकांत के साथ एसपी मुथुरामन की गुरु शिवयन और कार्तिक के साथ मणिरत्न की अग्नि नटचत्तिरम और पी वासु की पारिवारिक ड्रामा एन थंगाची पड़ी बच्चा बाद की पहली फिल्म का सफलता ने प्रभु और वासु के बीच उसी शैली में अधिक सफल सहयोग को
प्रेरित किया था। चिन्नाथम्बी 1991 और सेथमेज पट्टू 1992, इसके बाद उन्होंने के बालचंद्र की रोमांटिक फिल्म डुएट 1994, मोहनलाल के साथ प्रियदर्शन की मलयालम पीरियड फिल्म कल्लापानी 1996 की 96 में अच्छी भूमिका निभाने से पहले अपनी वैसी फिल्म आरवी उदय कुमार की बात की जाए फिल्म तमिल भाषा की फिल्म पीटी सर जो कि यह एक तमिल भाषा की फिल्म है। सबसे पहले बतलाए दोस्तों फिल्म का डायरेक्टर कार्तिक वेणुगोपालन की डायरेक्टर में बनी फिल्म है। फिल्म का लेखक भी वही है और फिल्म की उत्पादित इशारी के गणेश ने किया था। फिल्म की अभिनीति हिप हॉप तमहिजा अदि और कश्मीरी परदेसी अनिखा सुरेंद्रम ने किया है। फिल्म की छायाकान मधेश मणिकम ने किया है। फिल्म की 24 मई 2024 को रिलीज हुई है और इस फिल्म को तमिल भाषा के साथ बनी है। फिल्म की बात की है तो दोस्तों इस फिल्म ने मात्र 10 करोड़ की बजट पर बनी फिल्म है जो दोस्तों फिल्म की बॉक्स ऑफिस 12.25 करोड़ का कलेक्शन किया है। जो दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो इस फिल्म में अभिनेता हिप हॉप तमहिजा आदि और कश्मीरा परदेसी नजर आती है। 2024 की भारतीय तमिल भाषा की सामाजिक ड्रामा फिल्म है जो कार्तिक वेणुगोपालन द्वारा लिखित और निर्देशित है। दोस्तों इस सारी के गणेश द्वारा निर्मित है और फिल्म में कश्मीरा परदेसी अनिका सुरेंद्र प्रभु और इलावरुसु पाडियाराजन और सत्याराजन मनीष कान के साथ हिप हॉप तमहिजा आदि मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा नवंबर 2022 में अस्थायी शीर्षक HHT7 के तहत की गई है क्योंकि दोस्तों यह मुख्य अभिनेता के रूप में आदि की 7वीं फिल्म है। दोस्तों आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी लेकिन मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई थी। इसे मुख्य रूप से चेन्नई और ईरोड में शूट किया गया था। फरवरी 2024 के अंत तक पूरा हो गया था। फिल्म का संगीत हिप हॉप तमेश ने तैयार किया है। फिल्म की छायाकान मदेश मणिकम ने किया है। दोस्तों संपादन प्रसन्ना जी ने किया है। पीटी सर 24 मई 2024 को नाटक के रूप से रिलीज होती है। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा और सकारात्मक समीक्षा मिली है। दोस्तों यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी हिट बन गई है लेकिन दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो पीटी सर यह एक ऐसी फिल्म है जिसे दर्शक बहुत पसंद किए थे। फिल्म के उत्पादन की बात की जाए तो 14 नवंबर 2022 को आंधी जो संगीत जोशी हिप हॉप तमीज का एक हिस्सा है जो कार्तिक वेणुगोपालन द्वारा निर्देशित एक उद्यम में अभिनय करने की घोषणा की गई है जिन्होंने पहले निन्ना जामुडो निर्माडो और ओडू राजा 2019 का निर्देशन किया है। और दोस्तों इशारी के गणेश की उपाध्यक्षता में वेलस और फिल्म्स इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया था। अस्थायी रूप से HHT7 शीर्षक से अगले दिन चेन्नई में कलाकारों और चालक दल की उपस्थिति में एक मुहूर्त पूजा आयोजित की गई थी।
आधिकारिक शीर्षक पिटा सर की। पीटी सर जो कि घोषणा 12 जनवरी 2023 को रिलीज हुई थी। मुख्य फोटोग्राफी 22 नवंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुआ था। फरवरी 2023 में उत्पादन ईरोड में चला गया था। फिल्मांकन फरवरी 2024 के अंत तक पूरा हुआ था। लेकिन दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रूपा राधा कृष्णा ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए थे और लिखा कि यह देवदास ने के प्रदर्शन का श्रेय किया है। हम उससे आगे निकल पाए और उसके और आदि के बीच में माँ बेटे के रिश्तों को निवेश कर पाए हैं। द हिंदू के भुवनेश्वर चंद्र ने लिखा कि यह सिर्फ इतना होता है कि पीड़ित दोष के खिलाफ कोई भी पीआर हमारे सोशल मीडिया के समय के लिए अच्छी पीआर हो सकता है। और दोस्तों आप कम से कम यह उम्मीद करते हैं कि इस पीटी सर से सबक सबके अच्छी अच्छित कानों तक पहुंचे। टाइम्स नाउ के मणिकंदन के आर ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि फिल्म न केवल मनोरंजन करती है बल्कि यह समाज में प्रचलित कुछ व्यवहार पैटर्न पर जागरूकता पैदा करने का भी प्रयास करती है, जो दोस्तों अनजाने में यौन अपराधों से पीड़ितों को प्रभावित करते हैं। फिल्म कैंपेनियन की हर्षनी एस वी ने लिखा कि जहां तक देखने के अनुभव का सवाल है, फिल्म शायद उतनी अच्छी नहीं रह गई है, लेकिन पीड़ितों को दोषी ठहराने के लिए संदेश देने के लिए इसी गंभीरता को काम के लिए बिना आपको उम्मीद है संदेश जनता तक पहुंचेगा कि सिनेमा एक्सप्रेस की नारायणी एस ने दूसरे 5 सितारे दिए हैं। लिखा फिल्म महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए पीडी सर को उल्कापीड के उद्देश्य उदय के लिए सिटी बचाने से ज्यादा कुछ नहीं करती है। ओटीटी प्ले की अनुषा सुंदर ने 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा कि पीटी सर बोलने योग्य है। शुक्र है इसके लाभ के लिए क्योंकि फिल्म की महिला जाति के उत्पादन की प्रतिक्रिया केवल पुरुषों को अपनी वीरता दिखाने का रास्ता बनाती है। और फिल्म देखने के बाद मैं बस इतना ही कहूंगी कि चलो नारीवाद और महिला सशक्तिकरण का अब और फायदा न उठाए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पीटी सर ने अपनी रिलीज के 12 दिनों में 12.25 करोड़ से अधिक का कलेक्शन कर चुका है। फिल्म पीटी सर में हिप हॉप तमहिजा आदि फिल्म की अभिनेता संगीत जोड़ी और इस जोड़ी में रकंदीता आदि रामचंद्र वेंकटपति और आर जीवा शामिल है। 2011 में क्लब में मंबू ले गाने के साथ उनकी व्यावसायिक सफलता मिली थी। 2012 में हिप हॉप तमहिजा ने अपना पहला एल्बम हिप हॉप तमहिजान रिलीज किया, जो भारत का सबसे पहला तमिल हिप हॉप एल्बम है और यह आम जनता और आलोचकों दोस्तों के साथ एक बड़ी सफलता थी। हालांकि दोस्तों यह जोड़ी मूल रूप से स्वतंत्र संगीतकार थे
और लेकिन 2013 से उन्होंने मुख्य रूप से फिल्मों के लिए संगीत रचना में योगदान दिया है। रंगदियो आदि और रामचंद्र वेंकटपति का जन्म फरवरी 1990 को हुआ था और आरजीवा का जन्म 29 जून 1991 को जन्म हुआ था। दोस्तों बात की जाए इनकी जोड़ी को, तो पिता ने शुरू में प्रवेश रूप से संगीत को आगे बढ़ाने के उनके फैसले का विरोध किया था। वो चाहते थे कि आदि उच्च शिक्षा प्राप्त करे, लेकिन उन्होंने उसे वह करने के लिए 1 साल तक समय दिया जो वह करना चाहता था। एकमात्र शर्त यह थी कि आदि को न उनसे किसी भी तरह की उम्मीद की नहीं करनी चाहिए। यह महसूस करने के बाद कि आदि कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने अपने बेटे की संगीत रुचियों और प्रोत्साहित किया था। इसके बाद आदि अपनी किस्मत आजमाने के लिए चेन्नई चले गए थे। हालांकि दोस्तों हिप हॉप एक जोड़ी है, जीवन ने शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से उपस्थिति दर्ज कराई है। इसी प्रकार हिप हॉप तमीज नाम के आदि के साथ अधिक बार जोड़ा जाता है। आदि ने इंडिया लेडीज को बताया है कि यह उनके शर्मीलेपन के कारण है और अपने साथी की तुलना भारत के प्रति में दृश्य शेर से की है, जिसमें 4 शेर शामिल है, जिसमें से केवल 3 दिखाई देते हैं। 2005 में दोनों की मुलाकात की कुछ समय बाद जीवा बिटर्स नाम अपना लिया है। आदि ने चावरा विद्या भवन से पढ़ाई की और बनारी अम्मा इंडस्ट्री और टेली टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। उन्होंने तमिलनाडु में काम एंट्रोल सेट पर राज्य स्तर से किया है। बात की जाए फिल्म की, तो यह एक तमिल भाषा की फिल्म है जिसे दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं। और बात की जाए फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता कश्मीरा परदेशी, यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तमिल और तेलुगु भाषा की फिल्मों में काम करती है। उन्होंने तेलुगु फिल्म नर्तन सला 2018, तमिल में विश शिपु मंजल पचायु 2019 और हिंदी में मिशन मंगल 2019 में अभिनय की शुरुआत किया था। दोस्तों उन्होंने हिंदी सीरीज द फ्रीलांसर 2023 के जरिए डिजिटल स्ट्रीमिंग की शुरुआत की है। परदेशी नागा शौर्य के साथ तेलुगु फिल्म नरसला 2018 से फिल्मी करियर की शुरुआत करने से पहले कई विज्ञापनों में काम किया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक रही थी। और बात की जाए फिल्म 2021 में उनकी एकमात्र रिलीज राइडर थी, जो निखिल कुमार के साथ कन्नड़ सिनेमा में उनकी पहली फिल्म थी। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी हिट रही थी। 2022 में उन्होंने उनकी पहली रिलीज हिप हॉप तमहिजा के साथ अनबरीबू थी फिल्म में एक नाटक के रिलीज का विकल्प चुना था और सीधे डिज्नी प्लस
हॉटस्टार के माध्यम से रिलीज किया था, जिसे दोस्तों अल्लू अर्जुन से मिश्रित समीक्षा से सकारात्मक समीक्षा मिली है। अनबरिपो को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म घोषित किया है। उनकी आखिरी रिलीज वल्ला वरलारू मुक्कीमा थी, जिसमें जीवा के साथ फिल्म को अल्लू अर्जुन से दर्शकों से नकारात्मक समीक्षा मिली है। लेकिन दोस्तों मलयाली लड़की के रूप में परदेशी के प्रदर्शन ने सराहना की गई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। 2023 में उनकी पहली रिलीज बसंत मुल्लई थी, जिसमें बाबी सिम्हा थे और फिल्म को अल्लू अर्जुन से और दर्शकों से खराब समीक्षा मिली है। दोस्तों यह बॉक्स ऑफिस पर बंद थी उनकी दूसरी रिलीज एक तेलुगु फिल्म बिन्नारे भाग्यम और विष्णु कथा थी, जिसमें किरण अवस्थम थे और फिल्म के रिलीज होने पर अल्लू अर्जुन को और दर्शकों से सम्मान रूप से मिश्रित समीक्षा मिली है। दोस्तों यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। बाद में उन्होंने हिंदी भाषा की श्रृंखला द फ्रीलांसर के साथ डिज्नी डिजिटल स्ट्रीमिंग की शुरुआत की है, जिसका प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया था। श्रृंखला को अल्लू अर्जुन से अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और उन्होंने श्रृंखला में अपने उनके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली है। उनकी अगली रिलीज परम पोरुल थी, जिसमें अमिताभ प्रधान और शरद कुमार थे। फिल्म को अल्लू अर्जुन को और दर्शकों से सामान्य समीक्षा मिली है। 2024 में उनकी पहली रिलीज तमिल फिल्म पीटी सर थी, जिसमें हिप हॉप आदि के साथ अनबारिबू 2022 के बाद उनके साथ उनकी दूसरी सहयोग आत्मय फिल्म थी। फिल्म को अल्लू अर्जुन और दर्शकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। बात की जाए दोस्तों फिल्म की, तो इस फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता पीटी सर में अभिनेत्री इस फिल्म में प्रभु भी काम किए हैं, जो कि एक भारतीय अभिनेता है जो जिन्होंने पेशावर रूप से प्रभु के नाम से जाना जाता है। भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। वो दोस्तों दिग्गज अभिनेता शिवाजी गणेश के सबसे छोटे बेटे हैं। प्रभु 1980 के और 1990 के दशक में तमिल सिनेमा में प्रमुख अभिनेता में से एक थे। वो इलिया थिलागम के नाम से लोकप्रिय है और उन्होंने तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में मुख्य और सहायक भूमिकाओं में 220 से अधिक फिल्मों में काम किया है। संगली 1982 में अपने प्रदर्शन यानी अपने करियर की शुरुआत करने के बाद प्रभु ने विभिन्न प्रमुख और सहायक भूमिकाओं में अभिनय किया है। चिन्ना थब्बी 1991 में उनके चित्रण के लिए तमिलनाडु राज्य द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अर्जित किया है। बात की जाए दोस्तों इसके, तो प्रभु ने अपने पिता की सहकलाकार के रूप में फिल्म में काम करने से मना कर दिया था और अधिक से अधिक प्रस्ताव स्वीकार करने के बजाय जानबूझकर विषयों का चयन करने का शुरुआत किया था। ब्रेक लेने के बाद उन्होंने जो पहली फिल्मों साइन की उनमें जीएम कुमार की अरुवद्दाई नल 1986 और मणिवन की पलाईवन और रोचकल सत्याराज के साथ शामिल थी। दोनों ही सफल साबित हुई और इसके बाद
अगले दौर में अभिनेता के लिए 1988 में व्यावसायिक सफलता की एक श्रृंखला देखी गई थी। विशेष रूप से रजनीकांत के साथ एसपी मुथुरामन की गुरु शिवयन और कार्तिक के साथ मणिरत्न की अग्नि नटचत्तिरम और पी वासु की पारिवारिक ड्रामा एन थंगाची पड़ी बच्चा बाद की पहली फिल्म का सफलता ने प्रभु और वासु के बीच उसी शैली में अधिक सफल सहयोग को प्रेरित किया था। चिन्नाथम्बी 1991 और सेथमेज पट्टू 1992 इसके बाद उन्होंने के बालचंद्र की रोमांटिक फिल्म डुएट 1994 मोहनलाल के साथ प्रियदर्शन की मलयालम पीरियड फिल्म कल्लापानी 1996 की 96 में अच्छी भूमिका निभाने से पहले अपनी वैसी फिल्म आरवी उदय कुमार की राजकुमारम में काम किया था। उसके बाद दोस्तों बात की जाए फिल्म तमिल भाषा की फिल्म पी टी सर जो कि यह एक तमिल भाषा की फिल्म है। सबसे पहले बतलाए दोस्तों फिल्म का डायरेक्टर कार्तिक वेणुगोपालन की डायरेक्टर में बनी फिल्म है। फिल्म का लेखक भी वही है और फिल्म की उत्पादित इशारी के गणेश ने किया था। फिल्म की अभिनीति हिप हॉप तमहिजा अदि और कश्मीरी परदेसी अनिखा सुरेंद्रम ने किया है। फिल्म की छायाकान मधेश मणिकम ने किया है। फिल्म की 24 मई 2024 को रिलीज हुई है और इस फिल्म को तमिल भाषा के साथ बनी है। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों इस फिल्म ने मात्र 10 करोड़ की बजट पर बनी फिल्म है जो दोस्तों फिल्म की बॉक्स ऑफिस 12.25 करोड़ का कलेक्शन किया है। जो दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो इस फिल्म में अभिनेता हिप हॉप तमहिजा आदि और कश्मीरा परदेसी नजर आती है। 2024 की भारतीय तमिल भाषा की सामाजिक ड्रामा फिल्म है जो कार्तिक वेणुगोपालन द्वारा लिखित और निर्देशित है। दोस्तों इस सारी के गणेश द्वारा निर्मित है और फिल्म में कश्मीरा परदेसी अनिका सुरेंद्र प्रभु और इलावरुसु पाडियाराजन और सत्याराजन मनीष कान के साथ हिप हॉप तमहिजा आदि मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा नवंबर 2022 में अस्थायी शीर्षक HST7 के तहत की गई है क्योंकि दोस्तों यह मुख्य अभिनेता के रूप में आदि की 7वीं फिल्म है। दोस्तों आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी लेकिन मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई थी। इसे मुख्य रूप से चेन्नई और ईरोड में शूट किया गया था। फरवरी 2024 के अंत तक पूरा हो गया था। फिल्म का संगीत हिप हॉप तमेश ने तैयार किया है। फिल्म की छायाकान मदेश मणिकम ने किया है। दोस्तों संपादन प्रसन्ना जीके ने किया है। पीजी सर 24 मई 2024 को नाटक के रूप से रिलीज होती है। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा और सकारात्मक समीक्षा मिली है। दोस्तों यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी हिट बन गई है लेकिन दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो पीटी सर यह एक ऐसी फिल्म है जिसे दर्शक बहुत पसंद किए थे। फिल्म के उत्पादन की बात की जाए तो 14 नवंबर 2022 को आंधी जो संगीत जोशी हिप हॉप तमीज का एक हिस्सा है जो कार्तिक वेणुगोपालन द्वारा निर्देशित एक उद्यम में
अभिनय करने की घोषणा की गई है, जिन्होंने पहले निन्ना जामुडो, निर्मैडो और ओडो राजा 2019 का निर्देशन किया है। और दोस्तों इसारी के गणेश की उपाध्यक्षता में वेलस और फिल्म्स इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया था। अस्थायी रूप से HST7 शीर्षक से अगले दिन चेन्नई में कलाकारों और चालक दल की उपस्थिति में एक मुहूर्त पूजा आयोजित की गई थी। आधिकारिक शीर्षक पीटी सर जो कि घोषणा 12 जनवरी 2023 को रिलीज हुई थी। मुख्य फोटोग्राफी 22 नवंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुआ था। फरवरी 2023 में उत्पादन ईरोड में चला गया था। फिल्मांकन फरवरी 2024 के अंत तक पूरा हुआ था। लेकिन दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रूपा राधा कृष्णा ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए थे और लिखा कि यह देवदासनी के प्रदर्शन का श्रेय किया है। हम उससे आगे निकल पाए और उसके और आदि के बीच में माँ बेटे के रिश्तों को निवेश कर पाए हैं। द हिंदू के भुवनेश्वर चंद्र ने लिखा कि यह सिर्फ इतना होता है कि पीड़ित दोष के खिलाफ कोई भी पीआर हमारे सोशल मीडिया के समय के लिए अच्छी पीआर हो सकता है। और दोस्तों आप कम से कम यह उम्मीद करते हैं कि इस पीटी सर से सबक सबके अच्छी अच्छे कानों तक पहुंचे। टाइम्स नाउ के मणिकंदन के आर ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि फिल्म न केवल मनोरंजन करती है बल्कि यह समाज में प्रचलित कुछ व्यवहार पैटर्न पर जागरूकता पैदा करने का भी प्रयास करती है, जो दोस्तों अनजाने में यौन अपराधों से पीड़ितों को प्रभावित करते हैं। फिल्म कैंपेनियन की हर्षनी SV ने लिखा कि जहां तक देखने के अनुभव का सवाल है, फिल्म शायद उतनी अच्छी नहीं रह गई है, लेकिन पीड़ितों को दोषी ठहराने के लिए संदेश देने के लिए इसी गंभीरता को काम के लिए बिना आपको उम्मीद है संदेश जनता तक पहुंचेगा कि सिनेमा एक्सप्रेस की नारायणी S ने 2 से 5 सितारे दिए हैं। लिखा फिल्म महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए पीडी सर को उल्कापीड के उद्देश्य उदय के लिए सिटी बचाने से ज्यादा कुछ नहीं करती है। OTT प्ले की अनुषा सुंदर ने 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा कि पीटी सर बोलने योग्य है, शुक्र है इसके लाभ के लिए क्योंकि फिल्म की महिला जाति के उत्पादन की प्रतिक्रिया केवल पुरुषों को अपनी वीरता दिखाने का रास्ता बनाती है। और फिल्म देखने के बाद मैं बस इतना ही कहूंगी कि चलो नारीवाद और महिला सशक्तिकरण का अब और फायदा न उठाए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पीटी सर ने अपनी रिलीज के 12 दिनों में 12.25 करोड़ से अधिक का कलेक्शन कर चुका है। फिल्म पीटी सर में हिप हॉप तमहिजा आदि फिल्म की अभिनेता संगीत जोड़ी और इस जोड़ी में
रकंधिता अधि रामचंद्र वेंकटपति और आर जीवा शामिल है। 2011 में क्लब में मंबू ले गाने के साथ उनकी व्यावसायिक सफलता मिली थी। 2012 में हिप हॉप तमहेजा ने अपना पहला एल्बम हिप हॉप तमहेजहान रिलीज किया, जो भारत का सबसे पहला तमिल हिप हॉप एल्बम है और यह आम जनता और आलोचकों दोस्तों के साथ एक बड़ी सफलता थी। हालांकि दोस्तों यह जोड़ी मूल रूप से स्वतंत्र संगीतकार थे और लेकिन 2013 से उन्होंने मुख्य रूप से फिल्मों के लिए संगीत रचना में योगदान दिया है। रंगदियो आदि और रामचंद्र वेंकटपति का जन्म फरवरी 1990 को हुआ था और आरजीवा का जन्म 29 जून 1991 को जन्म हुआ था। दोस्तों बात की जाए इनकी जोड़ी को, तो पिता ने शुरू में प्रवेश रूप से संगीत को आगे बढ़ाने के उनके फैसले का विरोध किया था। वो चाहते थे कि आदि उच्च शिक्षा प्राप्त करे, लेकिन उन्होंने उसे वह करने के लिए 1 साल तक समय दिया जो वह करना चाहता था। एकमात्र शर्त यह थी कि आदि को न उनसे किसी भी तरह की उम्मीद की नहीं करनी चाहिए। यह महसूस करने के बाद कि आदि कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने अपने बेटे की संगीत रुचियों और प्रोत्साहित किया था। इसके बाद आदि अपनी किस्मत आजमाने के लिए चेन्नई चले गए थे। हालांकि दोस्तों हिप हॉप एक जोड़ी है, जीवन ने शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से उपस्थिति दर्ज कराई है। इसी प्रकार हिप हॉप तमीज नाम के आदि के साथ अधिक बार जोड़ा जाता है। आदि ने इंडिया लेडीज को बताया है कि यह उनके शर्मीलेपन के कारण है और अपने साथी की तुलना भारत के प्रति में दृश्य शेर से की है, जिसमें 4 शेर शामिल है, जिसमें से केवल 3 दिखाई देते हैं। 2005 में दोनों की मुलाकात की कुछ समय बाद जीवा ने जीवा बिटर्स नाम अपना लिया है। आदि ने चावरा विद्या भवन से पढ़ाई की और बनारी अम्मा इंडस्ट्री और टेली टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। उन्होंने तमिलनाडु में काम एंट्रोल सेट पर राज्य स्तर से किया है। बात की जाए फिल्म की, तो यह एक तमिल भाषा की फिल्म है जिसे दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं। और बात की जाए फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता कश्मीरा परदेशी, यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तमिल और तेलुगु भाषा की फिल्मों में काम करती है। उन्होंने तेलुगु फिल्म नर्तन सला 2018, तमिल में विश शिपु मंजल पचायु 2019 और हिंदी में मिशन मंगल 2019 में अभिनय की शुरुआत किया था। दोस्तों उन्होंने हिंदी सीरीज द फ्रीलांसर 2023 के जरिए डिजिटल स्ट्रीमिंग की शुरुआत की है। परदेशी नागा शौर्य के साथ तेलुगु फिल्म नरसला 2018 से फिल्मी करियर की शुरुआत करने से पहले कई विज्ञापनों में काम किया है।
फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक रही थी। और बात की जाए फिल्म 2021 में उनकी एकमात्र रिलीज राइडर थी, जो निखिल कुमार के साथ कन्नड़ सिनेमा में उनकी पहली फिल्म थी। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी हिट रही थी। 2022 में उन्होंने उनकी पहली रिलीज हिप हॉप तमहिजा के साथ अनबरीबू थी फिल्म में एक नाटक के रिलीज का विकल्प चुना था। सीधे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से रिलीज किया था, जिसे दोस्तों आलोचकों से मिश्रित समीक्षा से सकारात्मक समीक्षा मिली है। अनबरीबू को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म घोषित किया है। उनकी आखिरी रिलीज वरलारु मुक्कीमा थी, जिसमें जीवा के साथ फिल्म को आलोचकों से दर्शकों से नकारात्मक समीक्षा मिली है। लेकिन दोस्तों मलयाली लड़की के रूप में परदेशी के प्रदर्शन ने सराहना की गई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। 2023 में उनकी पहली रिलीज बसंत मुल्लई थी, जिसमें बाबी सिम्हा थे और फिल्म को आलोचकों से और दर्शकों से खराब समीक्षा मिली है। दोस्तों यह बॉक्स ऑफिस पर बंद थी उनकी दूसरी रिलीज एक तेलुगु फिल्म बिनारे भाग्यम और विष्णु कथा थी, जिसमें किरण अवस्थम थे और फिल्म के रिलीज होने पर आलोचकों और दर्शकों से सम्मान रूप से मिश्रित समीक्षा मिली है। दोस्तों यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। बाद में उन्होंने हिंदी भाषा की श्रृंखला द फ्रीलांसर के साथ डिज्नी डिजिटल स्ट्रीमिंग की शुरुआत की है, जिसका प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया था। श्रृंखला को आलोचकों से अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और उन्होंने श्रृंखला में अपने उनके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली है। उनकी अगली रिलीज परम पोरुल थी, जिसमें अमिताभ प्रधान और शरद कुमार थे। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से सामान्य समीक्षा मिली है। 2024 में उनकी पहली रिलीज तमिल फिल्म पीटी सर थी, जिसमें हिप हॉप आदि के साथ अनबरीबू 2022 के बाद उनके साथ उनकी दूसरी सहयोगात्मक फिल्म थी। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। बात की जाए दोस्तों फिल्म की, तो इस फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता पीटी सर में अभिनेत्री इस फिल्म में प्रभु भी काम किए हैं, जो कि एक भारतीय अभिनेता है जो जिन्होंने पेशावर रूप से प्रभु के नाम से जाना जाता है। भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। वो दोस्तों दिग्गज अभिनेता शिवाजी गणेश के सबसे छोटे बेटे हैं। प्रभु 1980 के और 1990 के दशक में तमिल सिनेमा में प्रमुख अभिनेता में से एक थे। वो इलिया थिलागम के नाम से लोकप्रिय है और उन्होंने तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में मुख्य और सहायक भूमिकाओं में 220 से अधिक फिल्मों में काम किया है। संगली 1982 में अपने प्रदर्शन यानी अपने करियर की शुरुआत करने के बाद प्रभु ने विभिन्न प्रमुख और सहायक भूमिकाओं में अभिनय किया है। चिन्ना थब्बी 1991 में उनके चित्रण के लिए तमिलनाडु राज्य द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अर्जित किया है। बात की जाए दोस्तों
इसके तो प्रभुनिया अपने पिता की सहकलाकार के रूप में फिल्म में काम करने से मना कर दिया था और अधिक से अधिक प्रस्ताव स्वीकार करने के बजाय जानबूझकर विषयों का चयन करने का शुरुआत किया था। ब्रेक लेने के बाद उन्होंने जो पहली फिल्मों साइन की उनमें जीएम कुमार की अरुवद्दाई नल 1986 और मणिवन की पलाईवन और रोचकल सत्याराज के साथ शामिल थी। दोनों ही सफल साबित हुई और इसके बाद अगले दौर में अभिनेता के लिए 1988 में व्यावसायिक सफलता की एक श्रृंखला देखी गई थी। विशेष रूप से रजनीकांत के साथ एसपी मुथुरमन की गुरु शिवयन और कार्तिक के साथ मणिरत्न की अग्नि नटचत्तिरम और पी वासु की पारिवारिक ड्रामा एन थंगाची पड़ी बच्चा बाद की बहु पहली फिल्म का सफलता ने प्रभु और वासु के बीच उसी शैली में अधिक सफल सहयोग को प्रेरित किया था। चिन्नाथम्बी 1991 और सेथमेज पट्टू 1992 इसके बाद उन्होंने के बालचंद्र की रोमांटिक फिल्म डुएट 1994 मोहनलाल के साथ प्रियदर्शन की मलयालम पीरियड फिल्म कल्लापानी 1996 में अच्छी भूमिका। बात की जाए फिल्म तमिल भाषा की फिल्म पी टी सर जो कि यह एक तमिल भाषा की फिल्म है। सबसे पहले बतलाए दोस्तों फिल्म का डायरेक्टर कार्तिक वेणुगोपालन की डायरेक्टर में बनी फिल्म है। फिल्म का लेखक भी वही है और फिल्म की उत्पादित इशारी के गणेश ने किया था। फिल्म की अभिनीति हिप हॉप तमहिजा अदि और कश्मीरी परदेसी अनिखा सुरेंद्रन ने किया है। फिल्म की छायाकान मधेश मणिकम ने किया है। फिल्म की 24 मई 2024 को रिलीज हुई है और इस फिल्म को तमिल भाषा के साथ बनी है। फिल्म की बात की है तो दोस्तों इस फिल्म ने मात्र 10 करोड़ की बजट पर बनी फिल्म है जो दोस्तों फिल्म की बॉक्स ऑफिस 12.25 करोड़ का कलेक्शन किया है। जो दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो इस फिल्म में अभिनेता हिप हॉप तमहिजा आदि और कश्मीरा परदेसी नजर आती है। 2024 की भारतीय तमिल भाषा की सामाजिक ड्रामा फिल्म है जो कार्तिक वेणुगोपालन द्वारा लिखित और निर्देशित है। दोस्तों इस सारी के गणेश द्वारा निर्मित है और फिल्म में कश्मीरा परदेसी अनिका सुरेंद्र प्रभु और इलावरुसु पाडियाराजन और सत्याराजन मनीष कान के साथ हिप हॉप तमहिजा आदि मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा नवंबर 2022 में अस्थायी शीर्षक HHT7 के तहत की गई है क्योंकि दोस्तों यह मुख्य अभिनेता के रूप में आदि की 7वीं फिल्म है। दोस्तों आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी लेकिन मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई थी। इसे मुख्य रूप से चेन्नई और ईरोड में शूट किया गया था। फरवरी 2024 के अंत तक पूरा हो गया था। फिल्म का संगीत हिप हॉप तमेज ने तैयार किया है। फिल्म की छायाकान मदेश मणिकम ने किया है। दोस्तों संपादन प्रसन्ना जीके ने किया है। पीजी सर 24 मई 2024 को नाटक के रूप से रिलीज होती है। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा और सकारात्मक समीक्षा मिली है।
दोस्तों यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी हिट बन गई है। लेकिन दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो पिट्टी सर यह एक ऐसी फिल्म है जिसे दर्शक बहुत पसंद किए थे। फिल्म के उत्पादन की बात की जाए तो 14 नवंबर 2022 को आंधी जो संगीत जोशी हिप हॉप तमीज का एक हिस्सा है जो कार्तिक वेणुगोपालन द्वारा निर्देशित एक उद्यम में अभिनय करने की घोषणा की गई है जिन्होंने पहले नन्ना जामुडो नेरमाडो और ओडू राजा 2019 का निर्देशन किया है। और दोस्तों इशारी के गणेश की उपाध्यक्षता में वेलस और फिल्म्स इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया था। अस्थायी रूप से HST7 शीर्षक से अगले दिन चेन्नई में कलाकारों और चालक दल की उपस्थिति में एक मुहूर्त पूजा आयोजित की गई थी। आधिकारिक शीर्षक पिटी सर जो कि घोषणा 12 जनवरी 2023 को रिलीज हुई थी। मुख्य फोटोग्राफी 22 नवंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुआ था। फरवरी 2023 में उत्पादन ईरोड में चला गया था। फिल्मांकन फरवरी 2024 के अंत तक पूरा हुआ था। लेकिन दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रूपा राधा कृष्णा ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए थे और लिखा कि यह देवदासनी के प्रदर्शन का श्रेय किया है। हम उससे आगे निकल पाए और उसके और आदि के बीच में माँ बेटे के रिश्तों को निवेश कर पाए हैं। द हिंदू के भुवनेश्वर चंद्र ने लिखा कि यह सिर्फ इतना होता है कि पीड़ित दोष के खिलाफ कोई भी पीआर हमारे सोशल मीडिया के समय के लिए अच्छी पीआर हो सकता है। और दोस्तों आप कम से कम यह उम्मीद करते हैं कि इस पीटी सर से सबके अच्छित कानों तक पहुंचे। टाइम्स नाउ के मणिकंदन के आर ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि फिल्म न केवल मनोरंजन करती है बल्कि यह समाज में प्रचलित कुछ व्यवहार पैटर्न पर जागरूकता पैदा करने का भी प्रयास करती है जो दोस्तों अनजाने में यौन अपराधों से पीड़ितों को प्रभावित करते हैं। फिल्म कैंपेनियन की हर्षनी SB ने लिखा कि जहां तक देखने के अनुभव का सवाल है फिल्म शायद उतनी अच्छी नहीं रह गई है लेकिन पीड़ितों को दोषी ठहराने के लिए संदेश देने के लिए इसी गंभीरता को काम के लिए बिना आपको उम्मीद है संदेश जनता तक पहुंचेगा कि सिनेमा एक्सप्रेस की नारायणी S ने दूसरे 5 सितारे दिए हैं। लिखा फिल्म महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए पीडी सर को उल्कापीड के उद्देश्य उदय के लिए सिटी बचाने से ज्यादा कुछ नहीं करती है। OTT प्ले की अनुषा सुंदर ने 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा कि पीडी सर बोलने योग्य है। शुक्र है इसके लाभ के लिए क्योंकि फिल्म की महिला जाति के उत्पादन की प्रतिक्रिया केवल पुरुषों को अपनी वीरता दिखाने का रास्ता बनाती है। और फिल्म देखने के बाद मैं बस इतना ही कहूंगी कि चलो
नारीवाद और महिला सशक्तिकरण का अब और फायदा न उठाए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पी टी सर ने अपनी रिलीज के 12 दिनों में 12.25 करोड़ से अधिक का कलेक्शन कर चुका है। फिल्म पी टी सर में हिप हॉप तमहिजा आदि फिल्म की अभिनेता संगीत जोड़ी और इस जोड़ी में रकंदीता आदि रामचंद्र वेंकटपति और आर जीवा शामिल है। 2011 में क्लब में मंबू ले गाने के साथ उनकी व्यावसायिक सफलता मिली थी। 2012 में हिप हॉप तमहिजा ने अपना पहला एल्बम हिप हॉप तमहिजहन रिलीज किया, जो भारत का सबसे पहला तमिल हिप हॉप एल्बम है और यह आम जनता और आलोचकों दोस्तों के साथ एक बड़ी सफलता थी। हालांकि दोस्तों यह जोड़ी मूल रूप से स्वतंत्र संगीतकार थे और लेकिन 2013 से उन्होंने मुख्य रूप से फिल्मों के लिए संगीत रचना में योगदान दिया है। रंगदियो आदि और रामचंद्र वेंकटपति का जन्म फरवरी 1990 को हुआ था और आरजीवा का जन्म 29 जून 1991 को जन्म हुआ था। दोस्तों बात की जाए इनकी जोड़ी को, तो पिता ने शुरू में प्रवेश रूप से संगीत को आगे बढ़ाने के उनके फैसले का विरोध किया था। वो चाहते थे कि आदि उच्च शिक्षा प्राप्त करे, लेकिन उन्होंने उसे वह करने के लिए 1 साल तक समय दिया जो वह करना चाहता था। एकमात्र शर्त यह थी कि आदि को न उनसे किसी भी तरह की उम्मीद की नहीं करनी चाहिए। यह महसूस करने के बाद कि आदि कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने अपने बेटे की संगीत रुचियों और प्रोत्साहित किया था। इसके बाद आदि अपनी किस्मत आजमाने के लिए चेन्नई चले गए थे। हालांकि दोस्तों हिप हॉप एक जोड़ी है, जीवन ने शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से उपस्थिति दर्ज कराई है। इसी प्रकार हिप हॉप तमिज नाम के आदि के साथ अधिक बार जोड़ा जाता है। आदि ने इंडिया लेडीज को बताया है कि यह उनके शर्मीलेपन के कारण है और अपने साथी की तुलना भारत के प्रति में दृश्य शेर से की है, जिसमें 4 शेर शामिल है जिसमें से केवल 3 दिखाई देते हैं। 2005 में दोनों की मुलाकात की कुछ समय बाद जीवा ने जीवा बिटर्स नाम अपना लिया है। आदि ने चावरा विद्या भवन से पढ़ाई की और बनारी अम्मा इंडस्ट्री और टेली टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। उन्होंने तमिलनाडु में काम एंट्रोल सेट पर राज्य स्तर से किया है। बात की जाए फिल्म की तो यह एक तमिल भाषा की फिल्म है जिसे दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं। और बात की जाए फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता कश्मीरा परदेशी, यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तमिल और तेलुगु भाषा की फिल्मों में काम करती है। उन्होंने तेलुगु फिल्म नर्तन सला 2018 तमिल में विश
शिवपो मंजल पचायु 2019 और हिंदी में मिशन मंगल 2019 में अभिनय की शुरुआत किया था। दोस्तों उन्होंने हिंदी सीरीज द फ्रीलांसर 2023 के जरिए डिजिटल स्ट्रीमिंग की शुरुआत की है। परदेसी नायिका सौर्या के साथ तेलुगु फिल्म नरसला 2018 से फिल्मी करियर की शुरुआत करने से पहले कई विज्ञापनों में काम किया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक रही थी। और बात की जाए फिल्म 2021 में उनकी एकमात्र रिलीज राइडर थी, जो निखिल कुमार के साथ कन्नड़ सिनेमा में उनकी पहली फिल्म थी। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी हिट रही थी। 2022 में उन्होंने उनकी पहली रिलीज हिप हॉप तमहिजा के साथ अनबरीबू थी फिल्म में एक नाटक के रिलीज का विकल्प चुना था। सीधे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से रिलीज किया था, जिसे दोस्तों आलोचकों से मिश्रित समीक्षा से सकारात्मक समीक्षा मिली है। अनबरीबू को OTT प्लेटफॉर्म पर व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म घोषित किया है। उनकी आखिरी रिलीज वरलारु मुक्कीमा थी, जिसमें जीवा के साथ फिल्म को आलोचकों से दर्शकों से नकारात्मक समीक्षा मिली है। लेकिन दोस्तों मलयाली लड़की के रूप में परदेशी के प्रदर्शन ने सराहना की गई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। 2023 में उनकी पहली रिलीज बसंत मुल्लई थी, जिसमें बाबी सिम्हा थे और फिल्म को आलोचकों से और दर्शकों से खराब समीक्षा मिली है। दोस्तों यह बॉक्स ऑफिस पर बंद थी उनकी दूसरी रिलीज एक तेलुगु फिल्म बिनारे भाग्यम और विष्णु कथा थी, जिसमें किरण अवस्थम थे और फिल्म के रिलीज होने पर आलोचकों और दर्शकों से सम्मान रूप से मिश्रित समीक्षा मिली है। दोस्तों यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। बाद में उन्होंने हिंदी भाषा की श्रृंखला द फ्रीलांसर के साथ डिजिटल स्ट्रीमिंग की शुरुआत की है, जिसका प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया था। श्रृंखला को आलोचकों से अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और उन्होंने श्रृंखला में अपने उनके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली है। उनकी अगली रिलीज परम पोरुल थी, जिसमें अमिताभ प्रधान और शरद कुमार थे। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से सामान्य समीक्षा मिली है। 2024 में उनकी पहली रिलीज तमिल फिल्म पीटी सर थी, जिसमें हिप हॉप आदि के साथ अनबरीबू 2022 के बाद उनके साथ उनकी दूसरी सहयोग आत्मीय फिल्म थी। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। बात की जाए दोस्तों फिल्म की, तो इस फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता पीटी सर में अभिनेत्री इस फिल्म में प्रभु भी काम किए हैं, जो कि एक भारतीय अभिनेता है जो जिन्होंने पेशावर रूप से प्रभु के नाम से जाना जाता है। भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। वो दोस्तों दिग्गज अभिनेता शिवाजी गणेश के सबसे छोटे बेटे हैं। प्रभु 1980 के और 1990 के दशक में तमिल सिनेमा में प्रमुख अभिनेता में से एक थे। वो इलिया थिलागम के नाम से लोकप्रिय है और उन्होंने तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में
मुख्य और सहायक भूमिकाओं में 220 से अधिक फिल्मों में काम किया है। संगली 1982 में अपने प्रदर्शन यानी अपने करियर की शुरुआत करने के बाद प्रभु ने विभिन्न प्रमुख और सहायक भूमिकाओं में अभिनय किया है। चिन्ना थप्पी 1991 में उनके चित्रण के लिए तमिलनाडु राज्य द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अर्जित किया है। बात की जाए दोस्तों इसके तो प्रभु ने अपने पिता की सहकलाकार के रूप में फिल्म में काम करने से मना कर दिया था और अधिक से अधिक प्रस्ताव स्वीकार करने के बजाय जानबूझकर विषयों का चयन करने का शुरुआत किया था। ब्रेक लेने के बाद उन्होंने जो पहली फिल्म साइन की उनमें जीएम कुमार की अरुवदाई नल 1986 और मणिवन की पलाईवन और रोचकल सत्याराज के साथ शामिल थी। दोनों ही सफल साबित हुई और इसके बाद अगले दौर में अभिनेता के लिए 1988 में व्यावसायिक सफलता की एक श्रृंखला देखी गई थी। विशेष रूप से रजनीकांत के साथ एसपी मुथुरमन की गुरु शिवयन और कार्तिक के साथ मणिरत्न की अग्नि नटचत्तिरम और पी वासु की पारिवारिक ड्रामा एन थंगाची पड़ी बच्चा बाद की पहली फिल्म का सफलता ने प्रभु और वासु के बीच उसी शैली में अधिक सफल सहयोग को प्रेरित किया था। चिन्ना थम्बी 1991 और सेथमेज पट्टू 1992 इसके बाद उन्होंने के बालचंद्र की रोमांटिक फिल्म डुएट 1994 मोहनलाल के साथ प्रियदर्शन की मलयालम पीरियड फिल्म कल्लापानी 1996 की 96 में अच्छी भूमिका निभाने से पहले अपनी वैसी फिल्म आरवी उदय कुमार की राजकुमारम में काम किया था। बात की जाए फिल्म तमिल भाषा की फिल्म पीटी सर जो कि यह एक तमिल भाषा की फिल्म है। सबसे पहले बतलाए दोस्तों फिल्म का डायरेक्टर कार्तिक वेणुगोपालन की डायरेक्टर में बनी फिल्म है। फिल्म का लेखक भी वही है और फिल्म की उत्पादित इशारी के गणेश ने किया था। फिल्म की अभिनीति हिप हॉप तमहिजा अदी और कश्मीरी परदेसी अनिखा सुरेंद्रन ने किया है। फिल्म की छायाकान मधेश मणिकम ने किया है। फिल्म की 24 मई 2024 को रिलीज हुई है और इस फिल्म को तमिल भाषा के साथ बनी है। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों इस फिल्म ने मात्र 10 करोड़ की बजट पर बनी फिल्म है जो दोस्तों फिल्म की बॉक्स ऑफिस 12.25 करोड़ का कलेक्शन किया है। जो दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो इस फिल्म में अभिनेता हिप हॉप तमहिजा आदि और कश्मीरा परदेसी नजर आती है। 2024 की भारतीय तमिल भाषा की सामाजिक ड्रामा फिल्म है जो कार्तिक वेणुगोपालन द्वारा लिखित और निर्देशित है। दोस्तों इस सारी के गणेश द्वारा निर्मित है और फिल्म में कश्मीरा परदेसी अनिका सुरेंद्र प्रभु और इलावरसु पाडियाराजन और सत्याराजन मनीष कांत के साथ हिप हॉप तमहिजा आदि मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा नवंबर 2022 में अस्थायी शीर्षक HHT7 के तहत की गई है क्योंकि दोस्तों यह मुख्य अभिनेता के रूप में आदि की 7वीं फिल्म है। दोस्तों आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जनवरी 2023 में की गई थी लेकिन
मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई थी। इसे मुख्य रूप से चेन्नई और ईरोड में शूट किया गया था। फरवरी 2024 के अंत तक पूरा हो गया था। फिल्म का संगीत हिप हॉप तमेश ने तैयार किया है। फिल्म की छायाकार मदेश मणिकम ने किया है। दोस्तों संपादन प्रसन्ना जीके ने किया है। पीजी सर 24 मई 2024 को नाटक के रूप से रिलीज होती है। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा और सकारात्मक समीक्षा मिली है। दोस्तों यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी हिट बन गई है। लेकिन दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो पीटी सर यह एक ऐसी फिल्म है जिसे दर्शक बहुत पसंद किए थे। फिल्म के उत्पादन की बात की जाए तो 14 नवंबर 2022 को आंधी जो संगीत जोशी हिप हॉप तमीज का एक हिस्सा है, जो कार्तिक वेणुगोपालन द्वारा निर्देशित एक उद्यम में अभिनय करने की घोषणा की गई है, जिन्होंने पहले निन्ना जामुडो नेरमाडो और ओडू राजा 2019 का निर्देशन किया है। और दोस्तों इशारी के गणेश की उपाध्यक्ष में वेलस और फिल्म्स इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया था। अस्थायी रूप से HST7 शीर्षक से अगले दिन चेन्नई में कलाकारों और चालक दल की उपस्थिति में एक मुहूर्त पूजा आयोजित की गई थी। आधिकारिक शीर्षक पीटी सर जो कि घोषणा 12 जनवरी 2023 को रिलीज हुई थी। मुख्य फोटोग्राफी 22 नवंबर 2022 को चेन्नई में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुआ था। फरवरी 2023 में उत्पादन ईरोड में चला गया था। फिल्मांकन फरवरी 2024 के अंत तक पूरा हुआ था। लेकिन दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रूपा राधा कृष्णा ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए थे और लिखा कि यह देवदासनी के प्रदर्शन का श्रेय किया है। हम उससे आगे निकल पाए और उसके और आदि के बीच में माँ बेटे के रिश्तों को निवेश कर पाए हैं। द हिंदू के भुवनेश्वर चंद्र ने लिखा कि यह सिर्फ इतना होता है कि पीड़ित दोष के खिलाफ कोई भी पीआर हमारे सोशल मीडिया के समय के लिए अच्छी पीआर हो सकता है। और दोस्तों आप कम से कम यह उम्मीद करते हैं कि इस पीटी सर से सबक सबके अच्छी अच्छित कानों तक पहुंचे। टाइम्स नाउ के मणिकंदन के आर ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि फिल्म न केवल मनोरंजन करती है बल्कि यह समाज में प्रचलित कुछ व्यवहार पैटर्न पर जागरूकता पैदा करने का भी प्रयास करती है, जो दोस्तों अनजाने में यौन अपराधों से पीड़ितों को प्रभावित करते हैं। फिल्म कैंपेनियन की हर्षनी एस बी ने लिखा कि जहां तक देखने के अनुभव का सवाल है फिल्म शायद उतनी अच्छी नहीं रह गई है, लेकिन पीड़ितों को दोषी ठहराने के लिए संदेश देने के लिए इसी गंभीरता को काम के लिए बिना आपको उम्मीद है संदेश जनता तक पहुंचेगा कि सिनेमा एक्सप्रेस की नारायणी एस ने दूसरे 5 सितारे दिए हैं। लिखा फिल्म महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए पीडी सर को
उल्कापीड के उद्देश्य उदय के लिए सीटी बजाने से ज्यादा कुछ नहीं करती है। ओटीटी प्ले की अनुषा सुंदर ने 5 में से 1.5 सितारे दिए और लिखा कि पीटी सर भूलने योग्य है। शुक्र है इसके लाभ के लिए क्योंकि फिल्म की महिला जाति के उत्पादन की प्रतिक्रिया केवल पुरुषों को अपनी वीरता दिखाने का रास्ता बनाती है। और फिल्म देखने के बाद मैं बस इतना ही कहूँगी कि चलो नारीवाद और महिला सशक्तिकरण का अब और फायदा न उठाए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पीटी सर ने अपनी रिलीज के 12 दिनों में 12.25 करोड़ से अधिक का कलेक्शन कर चुका है। फिल्म पीटी सर में हिप हॉप तमहिजा आदि फिल्म की अभिनेता संगीत जोड़ी और इस जोड़ी में रकंदीता आदि रामचंद्र वेंकटपति और आर जीवा शामिल है। 2011 में क्लब में मंबो ले गाने के साथ उनकी व्यावसायिक सफलता मिली थी। 2012 में हिप हॉप तमहिजा ने अपना पहला एल्बम हिप हॉप तमहिजहन रिलीज किया जो भारत का सबसे पहला तमिल हिप हॉप एल्बम है और यह आम जनता और अलूज को दोस्तों के साथ एक बड़ी सफलता थी। हालांकि दोस्तों यह जोड़ी मूल रूप से स्वतंत्र संगीतकार थे और लेकिन 2013 से उन्होंने मुख्य रूप से फिल्मों के लिए संगीत रचना में योगदान दिया है। रंगदियो आदि और रामचंद्र वेंकटपति का जन्म फरवरी 1990 को हुआ था और आरजीवा का जन्म 29 जून 1991 को जन्म हुआ था। दोस्तों बात की जाए इनकी जोड़ी को तो पिता ने शुरू में प्रवेश रूप से संगीत को आगे बढ़ाने के उनके फैसले का विरोध किया था। वो चाहते थे कि आदि उच्च शिक्षा प्राप्त करे लेकिन उन्होंने उसे वह करने के लिए 1 साल तक समय दिया जो वह करना चाहता था। एकमात्र शर्त यह थी कि आदि को न उनसे किसी भी तरह की उम्मीद की नहीं करनी चाहिए। यह महसूस करने के बाद कि आदि कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने अपने बेटे की संगीत रुचियों और प्रोत्साहित किया था। इसके बाद आदि अपनी किस्मत आजमाने के लिए चेन्नई चले गए थे। हालांकि दोस्तों हिप हॉप एक जोड़ी है, जीवन ने शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से उपस्थिति दर्ज कराई है। इसी प्रकार हिप हॉप तमीज नाम के आदि के साथ अधिक बार जोड़ा जाता है। आदि ने इंडिया लेडीज को बताया है कि यह उनके शर्मीलेपन के कारण है और अपने साथी की तुलना भारत के प्रति में दृश्य शेर से की है जिसमें 4 शेर शामिल है जिसमें से केवल 3 दिखाई देते हैं। 2005 में दोनों की मुलाकात की कुछ समय बाद जीवा बिटर्स नाम अपना लिया है। आदि ने चावरा विद्या भवन से पढ़ाई की और बनारी अम्मा इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी से
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। उन्होंने तमिलनाडु में काम एंट्रोल सेट पर राज्य स्तर से किया है। बात की जाए फिल्म की तो यह एक तमिल भाषा की फिल्म है जिसे दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं। और बात की जाए फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता कश्मीरा परदेशी, यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तमिल और तेलुगु भाषा की फिल्मों में काम करती है। उन्होंने तेलुगु फिल्म नर्तन सला 2018, तमिल में विश शिपु मंजल पचायु 2019 और हिंदी में मिशन मंगल 2019 में अभिनय की शुरुआत किया था। दोस्तों उन्होंने हिंदी सीरीज द फ्रीलांसर 2023 के जरिए डिजिटल स्ट्रीमिंग की शुरुआत की है। परदेशी नायिका सौर्या के साथ तेलुगु फिल्म नर्सला 2018 से फिल्मी करियर की शुरुआत करने से पहले कई विज्ञापनों में काम किया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक रही थी। और बात की जाए फिल्म 2021 में उनकी एकमात्र रिलीज राइडर थी, जो निखिल कुमार के साथ कन्नड़ सिनेमा में उनकी पहली फिल्म थी। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी हिट रही थी। 2022 में उन्होंने उनकी पहली रिलीज हिप हॉप तमहिजा के साथ अनबरीबू थी फिल्म में एक नाटक के रिलीज का विकल्प चुना था। प्रसिद्ध डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से रिलीज किया था, जिसे दोस्तों आलोचकों से मिश्रित समीक्षा से सकारात्मक समीक्षा मिली है। अनबरीबू को OTT प्लेटफॉर्म पर व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म घोषित किया है। उनकी आखिरी रिलीज वरलारु मुक्कीमा थी, जिसमें जीवा के साथ फिल्म को आलोचकों से दर्शकों से नकारात्मक समीक्षा मिली है। लेकिन दोस्तों मलयाली लड़की के रूप में परदेशी के प्रदर्शन ने सराहना की गई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। 2023 में उनकी पहली रिलीज बसंत मुल्लई थी, जिसमें बाबी सिम्हा थे और फिल्म को आलोचकों से और दर्शकों से खराब समीक्षा मिली है। दोस्तों यह बॉक्स ऑफिस पर बंद थी उनकी दूसरी रिलीज एक तेलुगु फिल्म बिनारे भाग्यम और विष्णु कथा थी, जिसमें किरण अवस्थम थे और फिल्म के रिलीज होने पर आलोचकों और दर्शकों से सम्मान रूप से मिश्रित समीक्षा मिली है। दोस्तों यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। बाद में उन्होंने हिंदी भाषा की श्रृंखला द फ्रीलांसर के साथ डिजिटल स्ट्रीमिंग की शुरुआत की है, जिसका प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया था। श्रृंखला को आलोचकों से अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और उन्होंने श्रृंखला में अपने उनके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली है। उनकी अगली रिलीज परम पुरुल थी, जिसमें अमिताभ प्रधान और शरद कुमार थे। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से सामान्य समीक्षा मिली है। 2024 में उनकी पहली रिलीज तमिल फिल्म पीटी सर थी, जिसमें हिप हॉप आदि के साथ अनबरीबू 2022 के बाद उनके साथ उनकी दूसरी सहयोग आत्मय फिल्म थी। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। बात की जाए दोस्तों फिल्म की तो इस फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता पीटी शर्मा, अभिनेत्री
इस फिल्म में प्रभु भी काम किए हैं, जो कि एक भारतीय अभिनेता हैं, जो जिन्होंने पेशावर रूप से प्रभु के नाम से जाना जाता है। भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। वो दोस्तों दिग्गज अभिनेता शिवाजी गणेश के सबसे छोटे बेटे हैं। प्रभु 1980 के और 1990 के दशक में तमिल सिनेमा में प्रमुख अभिनेता में से एक थे। वो इलिया थिलागम के नाम से लोकप्रिय है और उन्होंने तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में मुख्य और सहायक भूमिकाओं में 220 से अधिक फिल्मों में काम किया है। संगली 1982 में अपने प्रदर्शन यानी अपने करियर की शुरुआत करने के बाद प्रभु ने विभिन्न प्रमुख और सहायक भूमिकाओं में अभिनय किया है। चिन्ना थब्बी 1991 में उनके चित्रण के लिए तमिलनाडु राज्य द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अर्जित किया है। बात की जाए दोस्तों इसके, तो प्रभु ने अपने पिता की सहकलाकार के रूप में फिल्मों में काम करने से मना कर दिया था और अधिक से अधिक प्रस्ताव स्वीकार करने के बजाय जानबूझकर विषयों का चयन करने का शुरुआत किया था। ब्रेक लेने के बाद उन्होंने जो पहली फिल्मों साइन की उनमें जीएम कुमार की अरुवद्दाई नर 1986 और मणिवन की पलाईवन और रोचकल सत्याराज के साथ शामिल थी। दोनों ही सफल साबित हुई और इसके बाद अगले दौर में अभिनेता के लिए 1988 में व्यावसायिक सफलता की एक श्रृंखला देखी गई थी। विशेष रूप से रजनीकांत के साथ एसपी मुथुरामन की गुरु शिवयन और कार्तिक के साथ मणिरत्न की अग्नि नटचत्तिरम और पी वासु की पारिवारिक ड्रामा एन थंगाची पड़ी बच्चा बाद की पहली फिल्म का सफलता ने प्रभु और वासु के बीच उसी शैली में अधिक सफल सहयोग को प्रेरित किया था। चिन्ना थम्बी 1991 और सेथमेज पट्टू 1992 इसके बाद उन्होंने के बालचंद्र की रोमांटिक फिल्म डुएट 1994 मोहनलाल के साथ प्रियदर्शन की मलयालम पीरियड फिल्म कल्लापानी 1996